बहुत खुशी की बात है, महायुति की ताकत आज आप सबने देखी। हम सब मिलके प्रकाश दादा सुरवे को बागा थाने का आमदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो कार्यालय इतना सुंदर कार्यालय से शुरुआत हुई है, मुझे पूरा विश्वास है बागा थाने की हमारी 45,000 लाडली बहना जिनको 7,500 रुपए 5 महीने के मिल चुके हैं, आगे चल के 5 वर्ष तक सरकार उनको मानदंड देगी कि उनका जीवन भी आगे और अच्छा बन सके। इसी प्रकार से जो अलग अलग केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उन सबको हम सब कार्यकर्ता जनता तक लेके जाएंगे। कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करेंगे, मिलकर करेंगे, लोगों के बीच में महायुति का संदेश लेकर अवश्य प्रकाश दादा सुरवे को 1 लाख से अधिक वोटों से जिताएंगे। सर पूरे मुंबई में किस तरह से महायुति फिर से महायुति स्वीप करेगी और बड़ी बहुमत के साथ महायुति की सरकार महाराष्ट्र में कायम होगी। मुंबई में तो लगभग हर सीट पर आज महायुति का परचम फैला रहा है, महायुति की का पलड़ा भारी है और महायुति विजयी होगी। और मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र राव फडणवीस जी और अजीत दादा पवार के साथ साथ हम सब कार्यकर्ता मिलकर महायुति को प्रचंड बहुमत देने जा रहे हैं। लोगों का दिल जीतता है, लोगों का प्यार जीतता है और लोगों का समर्थन लेने हम सब कार्यकर्ता हम सब मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई के नेतृत्व में काम करेंगे और महायुति को विजयी बनाएंगे। सर आज माघा थाने बोरीवली मध्ये आज प्रकाश सुरे दादांचे महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार येणार आहे आणि त्याच्यामध्ये मोठ्या मताधिक्यानं माघा थाने विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आमचे प्रकाश दादा सुरवे निवडून येतील। आमचे महायुतीचे सारे कार्यकर्ते जोरात कामाला लागलेले आहेत। भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी प्रकाश सुरवे यांना महायुतीचे आमदार बनण्यासाठी ताकदीनं कामाला लागलेले आहेत आणि आमचे सारे कार्यकर्ते ताकदीनं काम करून जे लोकसभेला मताधिक्य झालं तेवढंच मताधिक्य किंवा त्याही पेक्षा जास्त मताधिक्य मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न राहील। कारण महायुतीचं सरकार आणताना उत्तर मुंबईचे 6 च्या 6 आमदार आम्हाला त्या ठिकाणी आणायचे आहेत आणि त्यामुळे महायुतीचा माघाठाण्याचा आमदार सुद्धा प्रकाश दादा सुरवे होतील आणि ते आणि मी मिळून माघाठाण्याच्या विकासासाठी फार मोठं योगदान देऊ। सर महायुती 100% मी राज्यात फिरतो, मी आताच नाशिकवरनं आलो, जवळपास मी सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जातोय आणि जे महायुतीचं वातावरण आहे ते प्रचंड चांगलं आहे। लाडक्या बहिणी खुश आहे, जिथे जिथे जातो शेकडोच्या संख्येनं महिला त्या ठिकाणी येतात, आशीर्वाद देत आहेत। आज युवा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आणि आमच्या महायुतीच्या मागे ताकदीनं एकवटलाय आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला एक विश्वास आलाय की या ठिकाणी आपलं महाराष्ट्राचं हित किंवा विकास कोण करू शकेल तर महायुती सरकार करेल। त्यामुळे महायुती प्रचंड संख्येनं या वेळेला महायुतीचं सरकार येईल।